हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मैं इस ब्लॉग में। दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा हरिद्वार से ऋषिकेश। और दोस्तों आप इस ब्लॉग में देखोगे कि आपको हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हुए दोस्तों बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ना मेरे पास बाइक है, फिर भी मैं इस को शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ, एक अच्छा ब्लॉग लेके आ सकूँ। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैंने एक ऑटो रिक्शा लिया है जो रिक्शा मुझे पहुँचाएगा हरिद्वार से ऋषिकेश तक। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऋषिकेश लगभग लगभग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास है। तो 25 किलोमीटर का सफ़र दोस्तों हम तय करेंगे इस ऑटो रिक्शा से। मैं आप इस रास्ते यहाँ दिखाने वाला हूँ कि यहाँ से देखो आप जैसे देहरादून 249 है और ऋषिकेश है 22 किलोमीटर, बद्रीनाथ 398 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं अपने आगे जर्नी की तरफ। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे एक सब्सक्राइब और फॉलो का बटन है, प्लीज़ उस पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को और मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों जुलाई की है दोस्तों, जब हम जिस समय सावन का पहला सोमवार था दोस्तों, सावन का महीना स्टार्ट ही हुआ था, तब हम चले थे दिल्ली से हरिद्वार गए थे दोस्तों। वहाँ जाने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा और आगे जाया जाए और हम निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। दोस्तों ऋषिकेश का दोस्तों सफ़र बहुत ही अच्छा था, बहुत ही आनंददायक था दोस्तों। जो हमने ट्रैवल किया वो काफ़ी अच्छा था, वो मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी अच्छी है तो दोस्तों इसके बाद मैं मोटो ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ, वहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा दिल्ली और दिल्ली से जहाँ भी मैं जाऊँगा वहाँ के लिए दोस्तों आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो बना के लेके आऊँगा। अगर इस वीडियो में दोस्तों आपको कहीं कोई कमी लगे या कुछ लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मुझे बताना कि मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ और कैसे मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। इस वीडियो को दोस्तों बहुत ही मेहनत से बनाया मैंने, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो उसके लिए दोस्तों आप टिल द एंड तक देखना, थोड़ा है पेशेंस। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है दोस्तों, आसमान में बादल छाए हुए हैं और चारों तरफ हरियाली है और इतना अच्छा मौसम था उस दिन, आप देख ही सकते हैं ना, धूप है और बिल्कुल भी धूप नहीं दोस्तों। जुलाई के महीने में हम गए थे और गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पे, बहुत ही अच्छा मौसम था। आप लोग भी दोस्तों मैं तो कहूँगा एक बार जो हरिद्वार जाए, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश जाए। ऋषिकेश जाने का दोस्तों आप वहाँ पे राम झूला, लक्ष्मण झूला, इन सब का आनंद ले सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है। और वहाँ भी दोस्तों आप स्नान कर सकते हैं ऋषिकेश में राम झूला के उस पार जाके। तो चलते हैं दोस्तों, आप देखिए दोस्तों कैसा मौसम है, कैसा नज़ारा है और इस नज़ारे में आप देखेंगे तो आप दोस्तों, मैं इस वीडियो में कोशिश ये करूँगा कि आप भी इस वीडियो के थ्रू ऋषिकेश घूमें। दोस्तों आप देखेंगे सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, अगल बगल में हरियाली का मौसम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और खासियत है, जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि एक तरफ तो पहाड़ की साइड बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, काले बादल हो रहे थे और दूसरी तरफ धूप निकली हुई थी। दोस्तों ये वहाँ की खासियत है दोस्तों, आप लोग जाएं जो इसका आनंद उठाएं, आप लोगों को एक बार जरूर जाना चाहिए यहाँ पे। दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि मोटो ब्लॉग तो एक ज़रिया है दोस्तों आप लोगों से जुड़ने का, अपनी बात को आप लोगों तक पहुँचाने का। बहुत ही अच्छा टूर था हमारा और मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोग भी चले जाएँ। ये देखें दोस्त क्या मौसम है। और कहते हैं दोस्तों ये जो यहाँ से जो हाईवे स्टार्ट होती है, इस हाईवे में कई बार जंगली चीते, हाथी, ये सब भी यहाँ से क्रॉस करते हैं। तो आप लोग जब भी सफ़र करें तो रात के समय ना करें यहाँ पे ट्रैवल, और सिंगल अकेले सोलो में तो कभी भी ना करें, ग्रुप में हो दोस्तों साथ हो थोड़ा देख के संभल के चलाएं। दोस्तों ये काफ़ी घने और ख़तरनाक जंगल है दोस्तों, दूर दूर तक आपको जंगल ही दिखाई देगा। जंगल के बीच में से बनाया गया है नेशनल हाईवे। इस हाईवे पर दोस्तों अभी दिन के टाइम में गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से दौड़ती हैं,
लेकिन रात के समय दोस्तों ये सेफ नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप ट्रैवल करें थोड़ा ध्यान से, क्योंकि दोस्तों यहाँ जंगली जानवर बहुत ही खतरनाक हैं, भालू, बंदर, शेर, हाथी, ये सब है दोस्तों इन जंगलों में, और ये सब रात को रोड के इस तरफ से उस तरफ क्रॉस करते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों हमें। ये देखिए दोस्तों कांवड़ी है दोस्तों, कांवड़ लेके जा रहे हैं दोस्तों हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ। बहुत लोग दोस्तों ऋषिकेश से भी आए थे जो लौट रहे हैं आगे। ये देखो दोस्तों सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ के ऊपर जैसे आप देखोगे ये बादल दिखाई देंगे। बादल भी इतना अद्भुत नज़ारा है, इतना अच्छा है सुंदर व्यू की, अगर आप यहाँ पे अगर अभी आप देख रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ही उस मौसम का, उस हवा का दोस्तों आप स्वयं आनंद ले रहे हैं। बहुत ही शुद्ध शांत वातावरण और बहुत ही अच्छा मौसम है दोस्तों वहाँ का। अगर जब भी आपको मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं और जब आपको लगे कि यहाँ पॉल्यूशन है, थोड़ा सा फ्रेश हवा लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक अपने आप को वॉक करने की ज़रूरत है। दोस्तों आप लोग एक बार ऐसे पहाड़ों में टूर के लिए, ट्रिप के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर जाइए और वहाँ का दोस्तों आनंद उठाइए, एक अलग ही नज़ारा है। हम पहुँच चुके हैं दोस्तों रायवला। अब यहाँ से एक दो लोग और चढ़ेंगे ऑटो रिक्शा में, उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से दो हरिद्वार से दोस्तों ऋषिकेश जाने के लिए हमसे ऑटो ले लिए थे। टू हंड्रेड पर पर्सन के हिसाब से मतलब दोस्तों 400 रुपये हमने किए थे इनको, तो इन्होंने हमें वहाँ पहुँचाया था। 200 रुपये पर हेड लगते हैं दोस्तों हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के। अगर आप दूसरी गाड़ी से जाएंगे तो दोस्तों ये आना और जाना ये आपके कुछ 600 लेगा, कोई 800 लेगा, अलग अलग है दोस्तों। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर आपको या तो बाइक रेंट पे ले लें, या नहीं दोस्तों के साथ तो बाइक रेंट पे ले लें, नहीं तो दोस्तों ये आप ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ना कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। प्राइवेट दोस्तों काफ़ी महंगा पड़ता है, मैंने वहाँ ट्रैवल किया है, मुझे पता है अच्छे से, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करें, प्राइवेट का ना करें। हमारे जो भाई साहब थे दोस्तों ऑटो रिक्शा वाले, वो काफ़ी ही बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे वहाँ के बारे में। उन्होंने बताया कि उनकी अच्छी खासी कमाई जाती है ऑटो रिक्शा से। जी हाँ दोस्तों, डेली के ये 2000-3000 रुपये आराम से कमा लेते हैं सिर्फ ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए। और देखो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई है यहाँ की दीवारों पर, जो अंडर पास है उससे पहले दोस्तों यहाँ पे। अभी यहाँ से बद्रीनाथ है 364 ऋषिकेश 14 किलोमीटर, काफ़ी सफ़र तय कर लिया है हमने, आधा और सफ़र बचा है। काफ़ी अच्छा अनुभव था दोस्तों, आप इस वीडियो में बने हैं और आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ जो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसको आगे और बेहतरीन कर सकें और आपके लिए सुधार करके अच्छे से अच्छी वीडियो को लेके आ सकूँ मैं। ये एक छोटा सा दोस्तों एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, मोटो ब्लॉग तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ब्लॉगिंग कह सकते हैं दोस्तों। कोशिश की कि आपके लिए एक मोटो ब्लॉग टाइप की वीडियो बना के लेके आऊँ, और ये बहुत ही मेहनत से बनाया मैंने दोस्तों। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं ऐसे ट्रैवल वीडियो जो शूट करता हूँ ताकि अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी दिखा सकूँ फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों, ये मुझे काफ़ी सपोर्ट करेगा और मैं मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, तो मैं और भी वीडियो बना के लेके आऊँगा आप लोगों के लिए दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा दोस्तों मैं, इतना ही काफ़ी है। और सामने का नज़ारा आप इंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय, थैंक यू।